मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इलास्टिक मटेरियल की बात करते हैं तो हमने वहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देखा हुक्स लॉ का हुक्स लॉ में हमने क्या देखा हुक्स लॉ में हमने देखा कि अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या लिखा हमने अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है दिस स्ट्रेस अलग अलग कैटेगरी के होते हैं जब प्रपोर्शन का साइन हम हटाते तो हमारे पास में एक कॉन्स्टेंट आता है दैट इज के और उस कॉन्स्टेंट को हमने कहा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको क्या कहा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है क्या कहा था मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी अब ये मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है जब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन स्ट्रेस की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे यंग्स मॉड्यूल्स ठीक है जब शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे शेयर मॉड्यूल्स या फिर मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी हम कहेंगे या फिर मॉड्यूल्स ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी ओके तो यहाँ पर हमारे पास में थर्ड कैटेगरी कौन सा आता है बल्क मॉड्यूल्स ओके और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस के लिए होता है तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर तीन कैटेगरी है पहला है यंग्स मॉड्यूलस दूसरा है शेयर मॉड्यूल्स और तीसरा है बल्क मॉड्यूलस और इनके लिए हम अलग अलग रिलेशन डिराइव करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड बनने वाले हैं तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम यहाँ पर देख रहे हैं यंग्स मॉडुलर्स यंग्स मॉडुलर्स हमने पहले ही देखा है कि अगर किसी लीनियर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या चीज़ होती है अगर हम किसी रोड पर या किसी वायर पर लीनियर फोर्स अप्लाई करते हैं जैसे हमारे पास में एक रोड है यहाँ पर ठीक है और इस रोड को का लेंथ हमने इंक्रीज करने के लिए एक फोर्स लगाया एफ़ ठीक है कितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगाया इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए तो हमको यहाँ पर समझ में आएगा कि स्ट्रेस क्या है स्ट्रेस है एफ बाई okay? क्या चीज होगी यहां पर स्ट्रेन होगा अगर इसका लेंथ यहाँ पर मान लेते हैं डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हो गया तो डेल्टा एल ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड सॉरी डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हो जाएगा है ना और इनका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होगा वो हम बताएंगे यंग्स मॉडुलस से ठीक है तो यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन हमारे पास में आता है द रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा टू दॉन्जिट्यूडल स्ट्रेन इज डिफाइन एज यंग्स मॉडुलस उसको हम क्या कहेंगे यंग्स मॉडुलस कहेंगे और इसको हम वाई से डिनोट करते हैं वाई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सल ठीक है सिंस is इज less quantity, सो so Young's modulus हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं या फिर हम यंग्स मॉडुलस की बात करें तो उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या फिर पास्कल होगा यहाँ पर अगर हम सिग्मा का वैल्यू पुट करें तो वो होगा एफ बाई ए और एफसेल मतलब स्ट्रेन का वैल्यू पुट करें तो डेल्टा एल बाय एल होगा मतलब यहाँ पर हमको एक फार्मूला मिलता है वाई इज इक्वल टू एल का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल ये वाला जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज़ करना है मैं आपको बता दूँ कि जो यंग्स मॉडुलस है उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे ठीक है आप जेई की बात करें आप बोर्ड की बात करें नीट की बात करें या किसी भी टाइप के एग्जाम की बात करें वहां पर यंग्स मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने हैं यहाँ पर इसलिए हमको ये फार्मूला याद रखना है तो हमने फार्मूला देखा वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल अच्छा यहाँ पर अगर हम एक और फार्मूला देखें एफ अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ से एफ का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं एफ कैसे फाइंड करेंगे एफ इज इक्वल टू वाई इंटू ए एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा एल डिड बाई एल ठीक है तो यहाँ से हमको एफ का फार्मूला पता चला जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास में एक फार्मूला है ठीक है ये फार्मूला भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरा अगर आपको यहाँ से डेल्टा एल मतलब डिफॉर्मेशन का फार्मूला निकालना तो आप लिख सकते हैं एफ इंटू एल डिड बाई वाई इंटू ए तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमको यहाँ पर मिलता है ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या देखा हमने यहाँ पर देखा यंग्स मॉड्यूलस नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शेयर मॉड्यूलर्स का